हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माथेश्वर चैनल। आज हम जानेंगे कि अगर आपके अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट में ब्लाइटेड ओवम आता है तो इसका क्या मतलब है। जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो सबसे पहले जेस्टेशनल सैक बनता है जो 3 to 4 वीक में बन जाता है। उसके एक हफ्ते के बाद यॉर्क सैक बनता है। उसके बाद जो है फीटल पोल बनता है, यानी बच्चा बनता है। तो किसी किसी प्रेगनेंसी में जब ये फीटल पोल नहीं बनता है तो उसको एनएम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी बोलते हैं और ब्लाइटेड ओवम बोलते हैं, और जेस्टेशनल सैक विदाउट फीटल पोल बोलते हैं, जो अल्ट्रासाउंड में आपको डिटेक्ट हो जाता है 5 वीक में। अब जान लेते हैं कि ब्लाइटेड ओवम का क्या कारण होता है, आखिर ब्लाइटेड ओवम क्यों बनता है। जब भी शुक्राणु यानी स्पर्म अंडे से यानी ओवम से मिलता है तो क्या होता है कि अगर कभी भी किसी प्रेगनेंसी में डिफेक्टिव ओवम है और डिफेक्टिव स्पर्म है तो उसमें बच्चा नहीं बनने के चांसेस होते हैं, तो वो फिटल पुल नहीं बनता है, जिसको ब्लाइटेड ओवम बोलते हैं। लेकिन अगर इम्प्यूटी जेस्टेशनल सैक है, आपके अल्ट्रासाउंड में आया है और वो 25 mm का है, तो आपको जनरली वेट करना चाहिए। हम लोग बोलते हैं कि आप रिपीट अल्ट्रासाउंड कराएं 2 वीक्स के बाद, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि डिलेड कॉन्सेप्शन होती है, जिनकी पीरियड प्रोलॉन्ग साइकिल है, 35-40 दिन की साइकिल होती है, उसमें डिले कॉन्सेप्शन होता है, तो बच्चा जो बच्चेदानी के बाल से चिपकता है वो लेट से चिपकता है, तो फिटल पोल भी लेट से बनता है। ब्लाइटेड ओवम प्रेगनेंसी 2 वीक्स के बाद नेचुरली एबॉर्ट हो जाती है। अगर नेचुरली एबॉर्टेशन नहीं हुआ है तो उसे मेडिसिन के द्वारा भी एबॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी 5 to 6 वीक्स की होती है। तो ये थी कुछ जानकारी ब्लाइटेड ओवम के बारे में। अगर ये अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल।